अरे ओ अंकल, बिना पूछे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पीछे खड़े हो पहले, बोलो क्या काम है? अरे बेटा, वो मुझे फ्लैट खरीदना था, है कोई फ्लैट? अंकल कौन सा फ्लैट खरीदना है आपको, 1 BHK 2 BHK? बेटा 1 BHK नहीं चाहिए, 2 BHK या 3 BHK जो अच्छा लगेगा वो मैं ले लूंगा। 3 BHK का फ्लैट लोगे तुम? अरे अंकल जी, मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? आप एक काम करो, सर्कस चले जाओ, वहाँ मनोरंजन कराने में अच्छे लगोगे तुम। बेटा तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हारा काम फ्लैट दिखाने का है, तुम बस अपना काम करो। अरे ओ अंकल, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता है तुम्हें 2 BHK फ्लैट की कीमत क्या है? 60 लाख रुपए। खरीद पाओगे तुम? कभी जिंदगी में सोचना भी मत। बस 60 लाख रुपए? पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पैसा बहुत है। वो तो दिख रहा है मुझे कि कितने पैसे वाले हो, 100 रुपए की चप्पल पहन रखी है, आए बड़े पैसे वाले। बेटा आप ब्रोकर हो, आप काम कस्टमर को फ्लैट दिखाने का है, ना कि उनके पहनावे से उनको जज करना। अरे अंकल, हमें इतनी नॉलेज हो चुकी है कस्टमर की कि हम उनके पहनावे से बता सके कि उसकी क्या औकात है, और मुझे आपकी औकात ना बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, इसलिए आप जाइए यहाँ से, गेट आउट। अरे क्या हो गया मिस्टी? अरे सर देखो ना, ये अंकल मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, औकात नहीं है इनकी कुछ लेने की और बहस बहस किए जा रहे हैं। अरे हाँ अंकल जी, बताओ क्या परेशानी है आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, मुझे 2 BHK फ्लैट खरीदना है, ये लड़की मेरा मजाक बना रही है। और क्या बुड्ढे, तेरा मजाक नहीं बनाएगी तो और क्या करेगी? तेरी शकल देख के तो लग नहीं रहा कि तू खरीद लेगा ये फ्लैट। 60 लाख रुपए डिमांड है इस फ्लैट की, और मुझे नहीं लगता कि तेरी जेब में 60 रुपए भी होंगे। अबे बुड्ढे जा, चला जाए ऐसे, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जो आगे हम उठा के। बेटा ये मुकेशबाज बहुत गलत है आपके, आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? आप दोनों ब्रोकर हो, आप काम कस्टमर को फ्लैट दिखाने का है, ना कि उनके औकात पता करने का। अरे अंकल क्यों बहस कर रहे हो फालतू में, 100 बातों की एक बात, इस बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट बिक ही नहीं रहा, अब जाओ यहाँ से। अबे घूर क्या रहा है, जब इसने बोल दिया कोई फ्लैट नहीं बिक रहा, खामा खा सर पे चढ़ा जा रहा है, चल निकल यहाँ से अब। पापा क्या बात है, आज इतनी टेंशन से मुझे लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। बताओ ना पापा, आज से पहले आप कभी इतने सैड नहीं हुए, लेकिन आज अचानक क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे, बोलो। हाँ बेटा, तुझे तो पता ही हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने प्लॉट हैं, कितनी जमीन जायदाद है, बस एक फ्लैट नहीं था, तो आज मैंने सोचा एक 3 BHK का फ्लैट खरीद लेता हूँ। लेकिन बेटा। लेकिन क्या पापा, बोलो ना। जब मैं वहाँ फ्लैट खरीदने गया था ना, तो उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी और मेरे से ये कहा कि मेरी औकात नहीं है फ्लैट खरीदने की, और मुझे वहाँ से धक्के मार कर भगा दिया बेटा। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत जो आपके बारे में बिना जाने कुछ आपको बेइज्जत कर दिया? पापा मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ, बताओ कौन है वो लोग? नहीं बेटा, हम किसी के मुंह लगेंगे तो इसमें हमारी ही बेइज्जती है, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता बेटा। अगर किसी को उसी गलती का एहसास कराना है तो उसको उसी की भाषा में उसी गलती का एहसास कराया जाए। पापा आप टेंशन मत लो, मैं उन लोगों से है ना प्यार से ही बात करूंगा, और उनको ये समझाऊंगा कि इंसान की वैल्यू है ना कपड़ों से नहीं, उसके नेचर से होती है। चलो मेरे साथ। मिस्टी, इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट सेल हो गए ना, या अभी भी कोई बच रहा है? हाँ सर, ये फर्स्ट फ्लोर बालकनी वाला बच रहा है, बस यही सेल नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत महंगा है, और अगर ये सेल हो गया ना सर तो इसका कमीशन बहुत अच्छा मिलेगा। सही कह रही हो तुम, बस इस फ्लैट की टेंशन हो रहा है, ये सेल होती मजे आ जाएंगे, पर कोई कस्टमर आ भी तो नहीं रहा। सर 2 कस्टमर कल आए थे, लेकिन ये फ्लैट उनके बजट में ही नहीं था। वो बात तो तुम्हारी सही है, इसको कोई पैसे वाले ही ले पाएगा। हेलो सर। हेलो सर, आई एम सचिन, आई वांट टू परचेज फ्लैट इन दिस बिल्डिंग। ऑफ कोर्स सर, पर सर आप कौन से फ्लोर पर फ्लैट लेना चाहते हैं, आई मीन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? ओके सर, बट मुझे फर्स्ट फ्लोर का ही फ्लैट चाहिए जिसमें बालकनी अवेलेबल हो। हाँ जी सर बिल्कुल है, चलिए आप फ्लैट देख लीजिए। हाँ जी मैडम बिल्कुल, लेकिन मैडम फ्लैट में बाद में देख लूंगा, लेकिन इससे पहले है ना मुझे फ्लैट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वाई नोट सर, चलिए एक बार ऑफिस में चल के बात कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप एक काम करिए, आप ऑफिस चलिए, बस मैं 2 मिनट में। बेटा दिखा देते फ्लैट। तुम फिर आ गए, तुमसे मना किया है ना, तुम जैसे पटीचरों को नहीं देना फ्लैट, एक बार में समझ नहीं आती।
अबे बुड्ढे, तू किसकी परमिशन लेके इस ऑफिस में घुस गया? तुझे शर्म तो है नहीं? तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तेरा मुंह तोड़ देता। निकल यहाँ से, समझ नहीं आया क्या तुझे? निकल यहाँ से। कितना बेशरम बुड्ढा है ये ऐसे नहीं जाएगा। सर इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो, वरना वो सर आएंगे ना तो इसको देख के फ्लैट भी नहीं लेंगे। सही कह रही है तू। अरे सर आप आइए सर। कोई जरूरत नहीं है सर बोलने की। आप दोनों के अंदर तमीज तो है नहीं कि अपने से बड़े से कैसे बात करी जाती है? पता है कौन है ये? मेरे पापा है ये, सेठ धनराज। नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा तुमने। क्या सेठ धनराज? सॉरी सर, पहले आपको कभी देखा नहीं था। सॉरी सर। क्या सॉरी? आपको पता है इस शहर के सबसे रईस इंसान है ये, और आपने इनके पहनावे से इनको जज कर लिया। इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। पता है कितना बड़ा दिल है इनका? अगर ये चाहे ना तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, लेकिन इन्हें सादा रहना पसंद है। और तुम लोग इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। क्या कमाते हो तुम लोग? जितना तुम पूरी साल में कमाते हो ना, उतना इनका एक महीने का रेंट दिया जाता है, समझे? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगो मेरे पापा से, जिनका तुमने अपमान किया है। सॉरी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही सेठ धनराज जी हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ मेरे लिए इतना ही काफी है। मगर आगे से ध्यान रखना, कभी किसी के पहनावे से उसको जज मत करना। अरे छोड़ो पापा, इन लोगों को क्या पता आपके बारे में? अच्छे से अच्छा रईस मिलने को तरसता है इनसे, पता है तुम्हें? खैर छोड़ो, क्या कीमत है तुम्हारे फ्लैट की? 60 लाख रुपए। लाओ पापा पैसे दो, ये पकड़ो 60 लाख रुपए। और कल है ना, फ्लैट के कागज तैयार रखना, साइन कर देंगे मेरे पापा आके, ठीक है ना? राम राम राम। आओ बाबा।